हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर कुविंदर गुप्ता जी शामिल हैं। कुविंदर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से यूपी में बीजेपी काफ़ी अच्छा कर रही है, उत्तराखंड और गोवा में भी, किस तरह से आप देखते हैं इस जीत को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर तक जुड़ा है, वो लोगों के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा जो मंत्र है वो सिद्ध हुआ है लोगों के बीच में। और हमने एक ही पॉलिसी रखी है, अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। और जस्टिस जो सबको मिलता है, एक दीनदयाल उपाध्याय की जी का जो अंत्योदय का मिशन था, कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति उस तक सरकारी स्कीमों का फायदा मिले, उसी के कारण से भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर दोबारा उभर करके आ रही है। सर, पंजाब की बात करें तो आज अकेले जो है बीजेपी ने शुरुआत की चुनावों की, नतीजे वो नहीं आए जो बीजेपी उम्मीद कर रही थी, कहाँ पीछे चूक रहे हैं? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे जनसंघ के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के रूप में, शुरू में ही पंजाब में जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट चलती रही है, अकाली दल से जाने के बाद हमने अपने स्तर पर काम किया है और हमारा जो वोट बैंक है, हमारा जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो बड़ा है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिर से संगठन में वो जमीनी स्तर पर काम करेगी, तो हमें विश्वास है कि हम जो वहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं वो आने वाले समय में होगा। सर, जम्मू की बात करें, चुनाव किस तरह से देखते हैं, कब तक चुनाव हो सकते हैं? और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर जो सबने बहिष्कार किया, अलग अलग अपोजिशन पार्टियों ने भी, आम जनता भी कुछ खासी खुश नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, जनता खुश नहीं है ये कहना गलत है। जनता को एक न्याय मिला है 1996 में, जो लोगों के साथ ज़्यादती हुई थी और सरकारों ने 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं हो सकती इस प्रकार के जो एक प्रस्ताव पास किए थे, उस पर एक लगाम लगी है। अब जम्मू और कश्मीर में फिर से डिलिमिटेशन हो करके एक लोगों को सीटें भी बढ़ी हैं और ठीक प्रकार से सीटें बनी हैं और सभी सीटों का एक ही मापदंड लिया गया है, तो हमें विश्वास है जिस प्रकार हम कोरोना महामारी के दौरान, या आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का लगातार लोगों के बीच रहता है, 50+ का जो लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा। ईवीएम की बात की जा रही है, धांधली की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? कोई अपोजिशन किसी तरीके के कोई हमला कर रही है आप पर, या क्या सच्चाई? पंजाब में भी ईवीएम की बात नहीं होती है, जहाँ अपोजिशन हारती है ये इनका मंत्र ही यही है। ये वो जब कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब इनका खंभा नोचने का समय आ गया जी। और आखिरी एक सवाल आपसे पूछेंगे, जम्मू में आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं सर, हम युवाओं की बात करते हैं, चाहे वो बॉर्डर बटालियन हो, CISF हो, डेली वेजर्स हो, डेंटल स्टूडेंट्स हो, कब इनके जो प्रदर्शन है वो थमेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, काफ़ी समस्याओं का हल किया जा रहा है, पुरानी सरकारों द्वारा जो इस प्रकार से लोगों को धोखा दिया जा रहा था, आज उसका रेगुलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। केंद्र की सरकार के ध्यान में सभी चीज़ें हैं और धीरे धीरे सभी फेज में अंदर गए, सभी के जो वो मसले हैं हल किए जाएंगे। तो आपने सुना यहाँ पर क्या कुछ कहा कुविंदर गुप्ता जी ने, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है वो बिल्कुल बनेगी और किसी भी तरह की कोई इसमें संदेह नहीं है, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, मोदी साहब से पूरे देश के लोग खुश हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो यूपी हो, अगर हम बात करें तो कई जगहों पर जो है बीजेपी आगे बढ़ रही है और आने वाली जीत उम्मीद जो की जा रही है बीजेपी की होगी। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर भी इन्होंने कहा कि सही, उनकी तरफ से डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल सही है, आम जनता खुश है। और कहीं ना कहीं ओपोजिशन जो है प्रोपोगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करती है, बीजेपी को नीचे धकेलने की कोशिश करती है। और पंजाब में भी इन्होंने कहा कि अपनी पहली बार इन्होंने चुनाव जो है अकेले लड़ा है और जो कुछ भी जीती हैं सीटें पहले से ज़्यादा जीती हैं। बहरहाल, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो हलवा है ये भी तैयार किया गया है, मिठाई भी है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है काफ़ी खुश है, बीजेपी इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट है कि जो बीजेपी के झंडा है यूपी में एक बार फिर से आएगा और योगी आदित्यनाथ जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर सेलिब्रेशन जो है बीजेपी के ऑफिस में, बीजेपी के जो कार्यालय है जम्मू में, वहाँ पर पूरी तरह से हो रही है और लोग बहुत खुश हैं। आसपास बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर पटाखे भी फोड़े, झंडे जो है बीजेपी के उन्हें फहराया और इस तरह से इस बात को सुनिश्चित किया। और ये अपोजिशन तक क्लियर मैसेज है कि बीजेपी हारी नहीं है और बीजेपी मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी का जो साथ है वो आम लोगों के साथ बना हुआ देखा जा सकता है।
तो ये थी अभी की अपडेट, आप बने रहिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ। मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।